भाई स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। और आज हम जाने वाले हैं परसवन मंदिर। अभी हम खड़े हुए अपने कॉलेज के ऊपर, ये पीछे आपको दिख रहा होगा। जल्दी टोपी पहन। और साथ में जा रहे हैं कुंजीत, आर्यन और ये रहा महपाली अनिकेत। भाई आर्यन, तू तो कभी बदमाशी करने जा रहा है? पता चले चले भाई, कुछ नहीं दिया भाई। ये बड़कल का जो है गोल चक्कर है, और यहाँ से हम मुड़े इस साइड को, और यहाँ से आगे जाएंगे तो अपना वो आ जाएगा परसवन मंदिर का रास्ता, वो अभी आपको दिखाएंगे चलते चलते। तो भाई ये बड़कल का जो गोल चक्कर है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, और नियरेस्ट जो ये है हरियाणा पुलिस, इसका नाम है अनखीर चौकी। तो इसे लेफ्ट मुड़ेंगे और यहाँ से लेफ्ट मुड़ के हम जाने वाले हैं यहाँ से सीधा। मुड़ेंगे राइट, और यहाँ से राइट मुड़ के आएगा परसोन का रास्ता। बड़कल लेक का रास्ता निकला, परसोन का भी यहीं से आता है ना, कहीं से आगे से कहीं फिर जाता है। तो भाई ये देख लो, यहाँ पे एक बोर्ड दिख जाएगा, दिखा दे, बड़कल लेक टूरिस्ट रिजॉर्ट ऐसा बोर्ड दिखेगा, और यहाँ से मुड़ेंगे राइट। तो भाई ये देखो, यहाँ से ऐसा कुछ रास्ता जा रहा है। आ जाओ, ये खड़े भाई ये दोनों। मेरे को लगा कोई बदमाश खड़ा हुआ है। हाँ, तो भाई ये देखो, ऐसा कुछ रास्ता जाता है परसवन मंदिर का, और अभी पूरा रास्ता दिखाएंगे आपको। बीच में 2-2.5 किलोमीटर का ऑफ रोड होने वाला है, और स्कूटी की वहाँ चलने वाली है, ठीक है। पीछे गुंजीत फ़ोन पकड़ के रास्ता रिकॉर्ड करेगा। गुंजीत उसमें थोड़ा हाथ ज़्यादा स्टेबल रखियो, क्योंकि उस ऑफ रोड में, हाँ, वहाँ वैन से बहुत गंदा रास्ता है। अच्छा, यहाँ मुड़ना था, तो भाई हल्का सा गलत आगे थे, आगे इधर एक कट है, इधर मुड़ना था। तो ये देखो भाई, ये जा रहा है परसवन मंदिर के लिए रास्ता। तो भाई वो देखो, सामने हल्का हल्का बोर्ड दिख रहा होगा आपको परसवन मंदिर का, ये पास जाके दिखाते हैं आपको। भाई ये देखो, ये लिखा है ना परसवन मंदिर। आर्यन रुकियो। तो भाई यहाँ से सारा ऑफ रोड है अपना, और अभी दिखाते हैं। भाई ये देखो, ये सारा ऑफ रोड है, अभी यहाँ से जा रहे हैं हम, पूरे 2 किलोमीटर का ऑफ रोड है। भाई ये देखो, यहाँ से हाँ गाड़ी वाड़ी भी आ जा सकती है। भाई इस बंदे की गाड़ी पंचर हो रखी है, और आओ भाई यहाँ पे गाड़ी लेके। और इसी गाड़ी में लड़की की साथ है। तो भाई लौटने की तो गाड़ी होगी, लड़की की थोड़ी होगी, समझ रहा तुम है? क्या हो रहा है? ओ भाई, यहाँ पे हो सकता है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, रास्ता सुनसान ही है सारा। भाई स्कूटी की पूरी माचुड़ने वाली है। गुंजीत कुछ करना चाहते हैं है। भाई दोनों हाथ से पकड़ ले गुंजीत यार, क्योंकि एक हाथ से ज्यादा हिलेगा कैमरा। अगर नहीं मिल रहा है नहीं गिरेगा, यहाँ पे दिखा दिए लौंडे। हाँ, तो भाई ये लौंडे कह रहे थे हमें ब्लॉग में ले लो, भी नहीं दिया थोड़ा सा। नहीं पता ब्लॉग व्लॉग क्या होता है, मुझे क्या लग रहा है ये हड़प्पा जमाने के ही है। हाँ मुझे भी लग रहा है। अरे मतलब यहाँ रहते हैं, इनको क्या पता होगा इतना गाँव। देखो बराबर का ये बोर्ड भी लग रहा है, तो बस आने वाला है। हम आ चुके हैं तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर आ चुके हैं, अभी देखते हैं कितने आगे और हैं। भाई पहुंच चुके ऑलमोस्ट, और ये देखो इतना भयानक रास्ता है भाई। अरे तेरी इसकी स्कूटी लगी, मेरी भी लगी, बचगी 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 भाई, हैवी ड्राइवर।
भाई ये परसोन मंदिर का गेट है, बस पहुंच गया ऑलमोस्ट। पहुंच चुके हैं, ये परसोन मंदिर का गेट है और अब यहाँ से अंदर स्कूटी खड़ी करेंगे। फाइनली पहुंच चुके हैं और ये रे सारे भाई कहाँ है नेपाली, कहाँ है ये तो अलग ही खड़ा रहता है। अब आ रहे ना, अब तो उतार दे अपना ये गुंडो वाला भाई। अभी हम आ रहे ये मोड़ पे खड़ा हुआ भाई, मेरे को लगा कोई बहन से बदमाश खड़ा है, बदमाशी करेगा, चूतिया बकचोदी करता रहता है। गुंजीत से मैंने बोला जो भी तू कॉमेडी कर रहा ना इसमें कर दे ब्लॉग में, तो गुंजीत कहता अगर पैसे दे रहा तो बता। फिर आर्यन क्या कहता, बोल आर्यन मैं इससे कह रहा था गुंजीत पूछता मेरे को क्या मिलेगा कंटेंट दे के तुझे, कहता पैसे दे मुझे एक लाइन के 5 रुपए। ये ना अभी हमारे लिए कोक खरीद के ला रहा है, मैंने बोली कि कंटेंट देगा तो कोक के पैसे दे देंगे वरना नहीं देंगे, ठीक है। पर अब तो यहाँ पे आ गया और तूने कोक खरीद भी ली, मेरी जिंदगी खराब हो चुकी है, खराब होगी जिंदगी अभी और खराब करेंगे। अभी थोड़ी देर में बोलेगा जब हम पैसे देने से मना करेंगे तो भाई चक्कर आ रहे हैं। भाई ये देखो ये रहा गेट और यहाँ पे देखो नंदी जी, आगे शिव जी भी मिलेंगे कहीं। भाई वो देखो वो रहा गेट परसोन मंदिर का और यहाँ से ये देखो ऐसा कुछ व्यू आता है भाई, बहुत ही बढ़िया जगह है, कोई आना चाहे तो बहुत मज़ा आएगा। और सामने देखो सामने एक और मंदिर है जिसपे शिव जी बने हुए हैं, तो यहाँ पे सीधा रास्ता तो कोई है नहीं पर हम पत्थरों से चढ़ के जा सकते हैं। डायरेक्ट गाड़ने वाले ना वो, क्या शमशान घाट भाई, हिंदू वाले शमशान घाट है। क्या बात है, चल रही है तुम्हारी लड़ाई कर रहे हैं कि शमशान घाट नदी के पास होता है या नहीं। ए चल चल मैं चल, मैं फालतू की बकवास कर रहा हूँ, नेपाली बोल रहे नदी के पास होता है। अब चुप बे चूतिया, विसर्जन करते ही अब एक बात बता, वो उठा के अस्थि उठा के फिर किसी नदी में डाल देते हरिद्वार वगैरह। देख मैं ये क्या कहते हैं, नदी भाई नदी के पास कोई जरूरी नहीं है, कोई शमशान घाट नहीं होता, पर होते भी है नदी के पास, लेकिन जरूरी नहीं सारे नदी के पास ही। तो भाई ये देखो ये रास्ता है सीढ़ियों की तरफ और यहाँ पे एरोस भी बने हुए हैं नीचे जाने के लिए, तो अभी सीधे रास्ते से जा रहे हैं हम। और वो जो ऊपर मंदिर दिख रहा है ना वहाँ पे हम पत्थरों से चढ़ के जाएंगे, तो वो भी आपको दिखाते हैं। और भाई यहाँ देखो यहाँ पत्थरों पे राम राम भी लिखा हुआ है, पत्थर पानी में तैरते हैं। नहीं मंदिर के अंदर नहीं पहन के जा सकते, भाई ये देखो ये मंदिर, वही एक बार वो पहले उस साइड घूम के आते हैं, तो भाई पहले लेफ्ट साइड चलते हैं थोड़ा, यहाँ भी लोग रहते हैं। हाँ पंडित जी भी रहते हैं, तो भाई ये देखो ये ऐसा रास्ता है यहाँ पे कुछ, और आगे कुछ भी नहीं है, आगे बस ऐसा ही रास्ता है। वो इसकी ना फोटो खींच लेते हैं भाई, देखो कितना प्यारा लग रहा है इन्होंने, हालांकि यहाँ पे आग लगा रखी है पर अदरवाइज देखोगे तो बहुत प्यारा। हाँ भाई यहाँ पे लंगूर और बंदर मिलेंगे बहुत सारे, ठीक है साथ में रहते हैं दोनों। और भाई ये देखो ये पत्थर वाला रास्ता है, हम चाहें तो यहाँ से भी आ सकते हैं, हालांकि इसको भाई ट्राई मत करना, हमारे साथ नहीं कहता जो कि पहाड़ों पर रहता है और वो ये सब ट्रैकिंग वगैरह करता है तो इसको चढ़ना आता, तो इसने हमें सिखाया था पत्थरों से नीचे आना, अदरवाइज नॉर्मल अगर आप हो तो मत आना, ठीक है। और ये देखो भाई ऐसा कुछ रास्ता है, बहुत ही बढ़िया जंगल है, मतलब बहुत ही पीस मिलता है यहाँ पे आके ना, तो यहाँ पे कोई मेडिटेशन करना चाहे वो भी कर सकता है। हाँ पर थोड़ा लंगूरों से बच के रहिए। तो भाई ये देखो ये तालाब है और यहाँ पे YouTube पे मैंने एक आध वीडियो देखी जहाँ लोग नहाते भी हैं, ये देखो हल्का से यहाँ से पानी तैर के जा रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कहाँ आ रहा है पता नहीं भाई, कैसे आता है। तो भाई ये देखो ये उधर साइड कहाँ से आ रहा है, एकदम बढ़िया चीज बना रखी है यहाँ तो। कोई नहीं पता भाई, हम रिसर्च करके। कोई सुन भाई देखो ऊपर जो मंदिर आपको दिखाया था उसका रास्ता यहाँ से जाएगा, अभी हम चढ़ के दिखाएंगे। और वैसे हम पीछे नहीं गए ना, आर्यन का भी ज़्यादा पीछे नहीं, चल के देखेंगे क्या है।
भाई देखो कौए कौओं का जोड़ा भाई, आगे लोग हैं, यहाँ भी देखो थोड़ा पानी वानी है। देखो वहाँ से आए हैं और अभी ये ऊपर चढ़ चुके हैं, मैं भी जाऊँगा चलने वाली। ये देखो भाई खड़े पहाड़ को ऐसे चढ़ता है नेपाली। ये देखो हम बैठे हैं पहाड़ों पे, कितना पीस है एक बार सुनना, देख रहे भाई कितना पीस है। ये बैठा नेपाली दिल्ली ये आ रहे हैं और इधर कैमरे के पीछे में वहाँ पे कुछ लोग हैं शायद जो आवाज़ कर रहे हैं। हाँ पर भाई पीस बहुत है यहाँ पर। तो भाई मैं वहाँ से यहाँ आ चुका हूँ और अभी वो रघुनजीत और यानी कि जा रहे हैं यहाँ से ऊपर। दिख रहा है कोई ना, ये देखो कितना बढ़िया व्यू है ये मंदिर मुझे सामने सटियो। तो ये देखो भाई ऐसा कुछ सीन है और उल्टे जाने के लिए सीन रास्ता उल्टे चले जाना। बस व्लॉग यहीं तक था, बढ़िया लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना।